Very good morning, guys, and welcome to All Aboard. This is Aditya. I hope I am audible and visible to everyone clearly. Kaise hai bhai, kya hal chal hai? So another week, another starting, and I am back with our daily current affairs show that is called TNA Today's News Analysis. I hope you guys have downloaded the PDF of last week. Guys, PDF is available in the description box. Not now, after the session, once I'll complete the session, you can check the PDF after 1 hour. 60 minute ke baad aap PDF check kare. You will find the PDF in the description box. चलिए चलते हैं सेशन की ओर, देखते हैं क्या है आज के सेशन में खास. न्यूज ज्यादा है, बड़ी आराम से डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा डोज में डिस्कस करेंगे. इंडियाज रैंकिंग रैंकिंग एंड इंडेक्स इन द डिफरेंट इंडाइसेस, दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स. तो वो इंडाइसेस वगैरह आज हम डिस्कस करेंगे इन द सेशन. ठीक है, चलिए चलते हैं सेशन की ओर. आई विल कीप माय कैम ऑफ फॉर सम टाइम, so it will not, so we will not face any buffering issue. It is a request of mine, guys, please copy the link of your session, it's your own session, and share with your friends so they can also join us as soon as possible. Chale, to start karenge morning motivation ke saath, that if you really want to do something, you have to find a way. Either you will find a way, और इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट थिंग, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज. मतलब यहां पर कोई तीसरा रास्ता नहीं होता है. या तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप तरीका ढूंढते हैं कि कैसे मैं इस टास्क को पूरा करूं. दैट इज एनीथिंग. इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन स्टेट सर्विसेज ऑफिसर, स्टेट सर्विसेज ऑफिसर, यू विल फाइंड द वे. इफ यू वॉन्ट टू बिकम बैंक पीओ, यू विल फाइंड अ वे. इफ यू डोंट वॉन्ट, इट इज जस्ट योर विश, नॉट अ गोल. देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन विश एंड गोल. You wish that you will become the one of the richest person in the world one day. But if you will make it a goal, you will start working on it. So, बहुत बड़ा difference है. और simple सी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई wish है, तो आप excuse भी ढूंढ लेते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ, तो ठीक है. ठीक है, बट गोल के लिए आप लड़ते रहते हैं. आगे बढ़ते हैं session में. Let's see the question number one, starting with the Reserve Bank of India MCQ. RBI has imposed 2 crore rupee penalty on which bank for paying the commission to employees? RBI ने अपने ही कर्मचारियों, RBI ने किस बैंक के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जो बैंक कर्मचारियों को कमीशन दे रहा था, सैलरी के फॉर्म में कमीशन दे रहा था. तो उस बैंक का नाम बताइए. करेक्ट आंसर बनता है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI. सो गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये न्यूज मैंने फ्राइडे को डिस्कस किया था. इफ यू विल चेक द टीएनए ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे को मैंने न्यूज डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी चार्ज किया इसके ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, बिकॉज SBI वाज गिविंग सम अमाउंट टू देयर एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन. नेक्स्ट वन, विच सिटी हैज रैंक्ड एज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ग्लोबली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने का, दैट इज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी पूछा है आपसे. ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा रहा? सो करेक्ट आंसर इज दिल्ली. इफ आई रिमूव दिस वर्ड कैपिटल, इफ आई रिमूव दिस वर्ड राजधानी, अगर मैं राजधानी शब्द को हटा दूं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंजैंग इन चाइना. सो इंजैंग इन चाइना इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, बट कैपिटल सिटी अगर लगा दें, देन योर आंसर विल बी व्हाट? दिल्ली. याद रखिएगा, दो चीजें हैं, एक वर्ड हटने पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा. आफ्टर दैट 9 सिटीज, आफ्टर इंजैंग इन चाइना, 9 सिटीज बिलोंग्स टू इंडिया. गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिश्रक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवारी, तो ये सारे के सारे बुरे शहरों, या आप बोल सकते हो जहां पर एयर क्वालिटी गंदा है, उन सिटीज के लिस्ट में है. मूव करेंगे सर न्यूज के तरफ. फर्स्ट न्यूज है, बैंकिंग न्यूज है, पंजाब नेशनल बैंक PNB. कितने लोगों ने PNB फिल किया था एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस? कितने लोग थे फर्स्ट प्रेफरेंस PNB वाले? सो PNB हैज सेट अप
होली ओन्ड सब्सिडरी नेम्ड पंजाब नेशनल बैंक कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक कार्ड सर्विसेज लिमिटेड टू मैनेज इट्स क्रेडिट कार्ड बिजनेस। क्रेडिट कार्ड बिजनेस को मैनेज करने के लिए जैसा एसबीआई कार्ड्स है वैसे ही पीएनबी कार्ड सर्विस लिमिटेड एक कंपनी पीएनबी ने सेटअप की है। व्हाट डू यू थिंक, इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी? पीएनबी ने अपना एक सब्सिडरी स्टार्ट किया है, सो इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी? व्हाट डू यू थिंक? मैं अगले पॉइंट पर मूव कर रहा हूं। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 16th of March 2021, रजिस्टर कंपनी इन दिल्ली। It will be a new subsidiary working as a non-financial support services related to the credit card business of bank. Now, two points which always comes in the examination: authorized capital and paid up capital. Authorized capital of company is 25 crore and paid up capital is 15 crore. So, according to me, it will be last point will be the question in the examination, in the upcoming examination. कि ऑथराइज कैपिटल कितना और पेड अप कैपिटल कितना है। चलिए, क्वेश्चन पूछा था मैंने, इट विल बी अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। गाइस, इट विल स्टार्ट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट विल स्टार्ट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी शुरुआत में इसको एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट किया जाएगा। मे बी इन द फ्यूचर दे विल इशू द स्टॉक्स इन द मार्केट एज वेल, बट अभी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट होगा। 25 करोड़ रुपए इसका क्या है, ऑथराइज कैपिटल है, 15 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल। सिंपल से पॉइंट्स बन रहे हैं, अभी काफी बढ़िया। चलिए, शैल आई कम बैक टू स्क्रीन? कोई कभी नहीं बोलता कि कहां चले गए सर, स्क्रीन पर वापस आ जाओ। कैसा रहा सैटरडे संडे बताओ? मैं आते से ही पढ़ाने लगता हूँ, कभी कभी फिर फील करता हूँ यार बात नहीं किया हूँ इन लोगों से, और तुरंत चालू कर दिया मैंने सेशन। अभी तुरंत में तो कोई एग्जाम ऐसा है नहीं, हार्ड एंड फास्ट, राइट? एंड इट इज अ प्रॉब्लम गाइज, आई रियली आई एम ऑब्जर्विंग दिस थिंग फ्रॉम माई लास्ट 7 ईयर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years आई हैव कंप्लीटेड इन द सेम प्रोफेशन, टीचिंग जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, द सेम सब्जेक्ट, नेवर चेंज सब्जेक्ट्स एज वेल। सो आई एम ऑब्जर्विंग दिस थिंग दैट स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिपेयर वेल when the exams are not aligned, they don't prepare GA, especially GA. They avoid GA until unless the notification is not announced. They avoid GA until unless the exam date is not announced. And after that, they feel trouble and they start messaging, sir, how to prepare it, sir, in 15 days? How to prepare in 20 days? I never touched the GA till now in my life. Now, because of maths, reasoning, English, I have cleared pre-examination because GA was not there in pre. Now, how to clear mains, sir? I heard that clearing mains without GA is very difficult. So, it is reality. You cannot clear mains examination. You cannot clear mains examination effectively without general awareness. Otherwise, you will be out of your merit list. बड़ा ट्रबल ये होता है कि आप मीन्स भी क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो और मेरिट से बाहर हो बिकॉज ऑफ लेस मार्क्स इन द मीन्स एग्जामिनेशन, राइट? तो जी अच्छे से प्रिपेयर करें। माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि लाइटली ना ले, बढ़िया पढ़ते रहें। अब जी से पढ़ेंगे, जब एग्जाम्स आएंगे यू विल बी एबल टू आंसर इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। चलिए, क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, वापस आते हैं न्यूज पर। द बैंक, द बुक माई लाइफ इन फुल, वॉक Family, Our Future. It is authored by whom? किसकी स्मारक स्मरण पुस्तक है? So, Indra Nooyi, PepsiCo की chairperson रही है for 10 years. Which country has ranked first in Economic Freedom Index 2021 by Heritage Foundation? दो organizations announce करते हैं इसी index को. One is Fraser Institute Canada. Second is Heritage Foundation. Fraser Institute Canada और सेकेंड आपके पास Heritage Foundation, राइट? तो क्या आंसर बन रहा है, आंसर बताइएगा। मैं आपको पूरा इंडेक्स का लिस्ट दूंगा, वैसे कंप्लीट इंडेक्स का लिस्ट दूंगा। अभी आंसर बताएं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
करेक्ट करेक्ट आंसर सिंगापुर. वेरी गुड. सिंगापुर इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स. सिंगापुर इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स. सिंगापुर टॉप, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ स्विट्जरलैंड, फिफ्थ इज आयरलैंड. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स? इंडिया 121 लिख रहे हैं. विजय भास्कर इज सेइंग दैट इट इज 121. वेरी गुड. सो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन. अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स there will be two point. Point number one, India came around in the middle of the peak among Asia Pacific countries. So one list will be Asia Pacific countries. In the Asia Pacific countries, the ranking of India is 26th out of 40 countries. Sirf 40 countries ki baat kar raha hu. So the rank of India is 26th out of 40 countries with a score of 56.5. But globally, what is the rank of India? So globally, the rank of India is 121. Point clear hai? Globally 121 hai, and in the Asia Pacific countries, the rank of India is 26th. Chaliye. Agla index hai aapke saamne. The next one is World Happiness Index. World Happiness Index, 149 countries ka index, and it is based on the factors like GDP, social support, healthy life expectancy, freedom to make choice, corruption perception among others. So ye sare ke sare indexes hain. These are the pillars on which this World Happiness Index is based on. 149 countries ka list hai. List of 149 countries. लास्ट में आप देख रहे होगे अफगानिस्तान एट द बॉटम. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? वेरी वेरी पुअर 139. रैंक ऑफ इंडिया इज 139. वेरी वेरी पुअर. टॉप पर है फिनलैंड. मोस्ट हैप्पी कंट्री इन द वर्ल्ड फिनलैंड. डेनमार्क सेकंड, स्विट्जरलैंड थर्ड, आइसलैंड फोर्थ, नीदरलैंड फिफ्थ पोजिशन. सो फर्स्ट फाइव इंपॉर्टेंट, last one in the list is important and the rank of India is important. Is it visible, I think, to everyone, right? So India ka rank hai 139. Yes, Pakistan is happier than India. Bangladesh is happier than India. Nepal, China, they are much happier than India. Pakistan is happier. Iran, Sri Lanka. So they are much happier than India. Their ranking is much better compared to India. Right? Yeah. खुश नहीं रहते हो ना यार, आप लोग नहीं रहते हो खुश, इसीलिए. चलो, India's ranking index in the different indices. India का ranking और index different indices में. COVID-19 performance index. It is released by Lowy Institute and Australian think tank, not American, Australian think tank. Rank of India is 86th. New Zealand is on top. Corruption Perception Index, Transparency International. Rank of India is 86. Rank of India is 86. New Zealand is on top. Again, New Zealand is on top. Asia Pacific Personalized Health Index, Economist Intelligence Unit, Rank of India is 10th, Singapore is on top. Global Climate Risk Index, Rank of India is 7th. Most affected country is Mozambique. Most affected means worst affected country is Mozambique. Next one, I'll just switch off the cam for a second. Global Fire Power Index 2021. Global Fire Power Index is the potential military strength in the world. Means which military is the powerful military in the world. So you can say that Indian military is fourth powerful, or Indian Army is the fourth powerful army in the world. Top United States, second Russia, third China, and fourth position India. Huron Global 500 2020, 11 Indian companies were included in this. Reliance Industry was on top in which? And in the world, Apple was on top.
हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, रैंक ऑफ इंडिया इज 85th, लास्ट ईयर 84, दिस ईयर 85th, जापान इज ऑन टॉप, सिंगापुर सेकेंड. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020, नीति आयोग, रिलीज्ड बाय नीति आयोग, कर्नाटका वॉज ऑन टॉप, महाराष्ट्र सेकेंड, यूनियन टेरिटरी दिल्ली वॉज ऑन फर्स्ट पोजिशन. गाइज पीडीएफ विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, पीडीएफ विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. After 60 minute of session, you can download it. After 60 minute of session, you can download it. Chalo. So, World Happiness Index 2020. Ab India kahan par aa gaya hai? 139 par aa gaya hai. World Happiness Index mein India. Iske baad Heritage Foundation 121. Singapore is on top. Intellectual Property 40th position. Global Passport 85th. ग्लोबल पासपोर्ट 85th, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम 142, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 43rd, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 48, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, फ्रासर इंस्टीट्यूट कनाडा 105, कनाडा वाज ऑन टॉप. फ्रासर इंस्टीट्यूट कनाडा इश्यूज एंड या एंड न्यूजीलैंड इज ऑन टॉप, नॉट कनाडा इज ऑन टॉप, न्यूजीलैंड इज ऑन टॉप, सॉरी न्यूजीलैंड इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स. ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 71st, डेमोक्रेसी इंडेक्स 51st, हंगर इंडेक्स 94 अमंग 107 कंट्रीज, एशिया पावर इंडेक्स 4th पोजीशन, टॉप वन इज यूएसए, चाइना, जापान एंड 4th पोजीशन इंडिया. ये सारे के सारे हो गए हैं. That this class will be enough for GA in mains. It will be more than enough in GA in mains. If you will continue on a daily basis, if you will attend this class on a daily basis, it will be more than enough. Okay. Chalo bhai, next aa jaye. Gram Ujala scheme. Gram Ujala Yojana. Dekho bhai, nayi scheme aa gayi hai. How many of you are residing in village? Kitne log gaon mein reh rahe hain? Or connected with the village. Agar village se connected hai, you can inform to your relatives, family members that government has launched a scheme. Sarkar ne ek scheme launch ki jiska naam hai Gram Ujala scheme. Gram Ujala scheme, it was launched on 19th of March to provide cheapest LED bulb in the rural areas. 10 rupees ka LED bulb government yahan par provide kar rahi hai. The scheme was launched by, awaaz aa rahi hai na, cam on kiya tha maine. I'm visible or not visible? अच्छा हो गया visible ना, ठीक है. So Union Power and Union Minister of Power and New Renewable Energy Mr. Rajkumar Singh has launched it. Target रखा गया है around 15 million LED bulb to be distributed in Arha, Bihar first phase में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, वेस्टर्न गुजरात. तो मैं बता दूं कहां कहां पर लॉन्च किया गया इसको अभी. बिहार, आंध्र, यूपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात. सो इन द फर्स्ट फेज इट इज लॉन्च इन दीज स्टेट्स, इन्हीं स्टेट्स में इसको अभी इनिशियली लॉन्च किया गया है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है. विच कंट्री हैज ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 121st मेंबर. कौन सा कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ 121st मेंबर ज्वाइन किया. अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया हुआ है, फ्राइडे का टीएनए देखोगे तो मिल जाएगा डिटेल. करेक्ट आंसर है इटली. सो इटली बिकेम 121st मेंबर टू ज्वाइन, 121 मेंबर टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसके बाद में और भी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आज इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक जीके. सो व्हेन वी विल डिस्कस द 5 एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिक जीके, अगेन दिस कॉन्सेप्ट विल कम. बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट. आगे आ जाए, न्यूज की तरफ चलते हैं. बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इथेनॉल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल. बिहार जैव ईंधन के लिए खुद की इथेनॉल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फ्रेम देयर ओन इथेनॉल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल. करेक्ट आंसर विल बी बिहार. एक चीज और याद रखेंगे, आज के डिस्कशन में हम रिवाइज करने वाले हैं स्टेट बिहार को. इट मींस द प्रीवियस स्कीम लॉन्च्ड बाय बिहार विल बी डिस्कस्ड हियर, ठीक है. बिहार हैज अप्रूव्ड, बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डू दैट.
Now, according to this policy, listen carefully, according to this policy, ethanol extraction can be done with the help of sugarcane and from the surplus quantity of maize as well. So, sugarcane or maize, ganne se aur bhutte se, jo makka hota hai aapka, usse ethanol banaya jayega. And government of India, it is most important point, point number here, the last one, fourth point, fifth point, point number fifth, the blue color. India preponed target of achieving 20% ethanol blending with the petrol by the year 2025. Previous target was 2030. Previous target was 2030. Yahan se preponed karke 2025 kar diya hai, sir. 20% ethanol blending with the petrol. Abhi 1.5, 1.6 ke aaspaas blending chalta hai. Isko aur badhaya ja raha hai. 20% ke aaspaas blending kiya jayega ethanol ka petrol mein. Mera point clear ho gaya hai. Point number 5 is clear. This is more important. To mostly ye aapke exam ka question ban raha hai. And after that they can ask you in the addition that which state became the first state in India to launch their policy. To correct answer ho gaya hai aapka. बिहार. एक बार क्लियर है तो सीसी लिख दें क्विकली. हाँ, प्रीवियसली द टारगेट वॉज 2030, अभी 2025 कर लिया है. थोड़ा एक्टिव रहो यार चैट में. सोना नहीं, जाग जाओ, टी कॉफी लेकर बैठो. टाइम काफी हो रहा है, 8:30 बज रहा है अब तो, समझ रहे हो, 8:30 तो. हाँ, क्लियर, बढ़िया. बिहार इन न्यूज क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. यूनियन कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स एट दरभंगा बिहार. ये इलेक्शन के पहले अनाउंस हुआ था, अभी तक कुछ प्रोग्रेस में नहीं आया, बट इलेक्शन के पहले अनाउंस हुआ था. एक्टर पंकज त्रिपाठी बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी. तो त्रिपाठी सर को हर कोई जानता है अभी तो. पंकज त्रिपाठी जी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी के अपॉइंट हुए हैं. प्यार का पौधा, A plant of love campaign encourages the practice of planting the tree in the state. It was launched. तो इसको launch किया गया. A plant of love, प्यार का पौधा, ठीक है. First of its kind rehabilitation center of fresh water turtle launched in Bhagalpur forest. भारत का पहला fresh water turtle rehabilitation center ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो भागलपुर के जंगल बिहार में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है. कैम ऑफ करता हूं तो बाकी के पॉइंट देख लें. बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बिसाइड्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, रिपीट कर देता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार एंड एनआईसी जॉइंटली ऑनर्ड विथ The Digital India Award 2020 in the pandemic category. Digital India Award 2020 से honor किया गया. Important point है, काफी important है. Digital India Award 2020 से honor किया गया. Nitin Gadkari inaugurated 1.5 kilometer Koilwar Bridge on Son River. Son नदी के ऊपर Koilwar Bridge को inaugurate किया Nitin Gadkari जी ने video conferencing के through. ये बिहार में सिचुएटेड. पीयूष जायसवाल वॉज अवॉर्डेड विद द ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019. चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव एट नागी नकटी बर्ड सेंचुरी. स्टैटिक जीके में पूछ लेता है दैट नागी नकटी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आंसर हो जाता है आपका बिहार. बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, फर्स्ट बिकेम टू डू सो. 30th बिहारी पुरस्कार फॉर 2020 गिवन टू मोहन कृष्णा फॉर हिज हिंदी बुक ऑफ क्रिटिसिज्म कॉल्ड तस्लीमा संघर्ष और साहित्य. ऑनर्ड वॉज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन. चलिए हो गया भाई. आगे मैं समझता हूं कि सेम चीज आपके साथ चलती रहे, आप लोगों को थाम कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बिहार अगर रिवाइज करवा रहा हूं, अगर एक मिनट लेट हो जाऊं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है.
नेक्स्ट न्यूज पर आ जाए, बट स्टेट इन न्यूज ही चल रहा है. जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आवाम की बात कैंपेन लॉन्च किया है. जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इट्स अ रेडियो प्रोग्राम लॉन्चिंग ऑन इट्स वेबसाइट एट द राजभवन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी. तो ध्यान से सुन लीजिए, मनोज सिन्हा जी ने आवाम की आवाज एक कैंपेन लॉन्च किया है. इट इज अ रेडियो प्रोग्राम विच विल बी एयर्ड एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल. थर्ड संडे ऑफ द मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल. इट इज लॉन्च्ड विद द एम टू डिस्कस रिलेटेड टू द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अनदर थिंग, इट विल बी अ प्रोग्राम वेयर लाइक हम करते हैं ना, आप अपनी रिक्वेस्ट बताते हो दैट आई वॉन्ट टू लिसन दिस सॉन्ग. तो मेरे शूना बाबू मोना के लिए आप ये सॉन्ग प्ले कर दें. अभी थोड़ा कम हो गया, बट पहले ज्यादा था कि रेडियो पर कॉल करके बताया जाता था, रेडियो मिर्ची वगैरह पर. अभी भी चलता है, प्रसार भारती पर कम हो गया. तो ये जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, नाउ द यूज ऑफ कॉल विल बी डन दैट यू कैन शेयर योर फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द स्टेट गवर्नमेंट, सजेशन आइडियाज फीडबैक टू द स्टेट गवर्नमेंट कॉल के थ्रू. ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम द पीपल ऑफ स्टेट विल बी एबल टू शेयर देयर फीडबैक, राइट. हाँ, लाइक मन की बात है, मन की बात तो वन वे होता है, ये टू वे चलेगा. यहां पर ये बोला गया है कि आवाम भी अपनी बात कर पाएगी. आवाम की बात है, मन की बात नहीं, आवाम की बात. जनता विल, पीपल विल टेल देयर प्रोस्पेक्टिव. चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. मूडी एनालिटिक्स हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी ग्रो बाय 12% इन द कैलेंडर ईयर 2021. आपकी फरमाइश, ये दीपांशु ने सही लिखा, आपकी फरमाइश चलता है ना. हाँ चलो, तो मूडी एनालिटिक्स हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 12% कैलेंडर ईयर. याद रखना, जनवरी से बात हो रही है दिसंबर की, कैलेंडर ईयर 12% में. कैलेंडर ईयर 2020 जीडीपी प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 7.1% नेगेटिव 7.1% अकॉर्डिंग टू मूडीज. मूडी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ मूडीज रेमंड डब्ल्यू मैकडैनल जूनियर. सो रेमंड डब्ल्यू मैकडैनल जूनियर, दो ब्रांड लगे हुए, रेमंड भी और मैकडैनल भी है, मैकडैनियल भी है, ठीक है. यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.9% -6.9% फॉर द ईयर 2020 एंड रिकॉर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी इन द ईयर 2025 विद द ग्रोथ ऑफ 5%. तो 5% का ग्रोथ प्लस 5% 2021 में एंड -6.9% इन 2020 ये प्रोजेक्शंस दिए हैं सर. टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट लिस्ट, कल मैं दे दूंगा आपको पूरा का पूरा लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी रेट बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है. जैसे आज मैंने इंडेक्सेस शेयर किया आपके साथ, राइट. तो कल जीडीपी प्रोजेक्शन शेयर करूंगा. वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बींग बिल्ट इन सिंगापुर. सिंगापुर प्लान्स टू क्वाड्रुपल द यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द ईयर 2025 टू रीच 2% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड देन इंक्रीज टू 3% बाय द ईयर 2030. ध्यान से सुन लें, 2025 तक ओवरऑल डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ सिंगापुर विल बी कंप्लीटेड बाय द सोलर एनर्जी. दिस इज द टारगेट ऑफ सिंगापुर एंड बाय द ईयर 2030 3% कवर करने का सिंगापुर ने टारगेट रखा है. अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ध्यान से सुनिएगा. रिसेंटली विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया एंड इट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट. इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट इंडिया में किस स्टेट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है. दो क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट में आपके साथ डिस्कस किया है मैंने,
एमसीक्यूज के फॉर्म में भी डिस्कस किया है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. मैं चाहता हूं कि आप सब आंसर करें. सर एसबीआई नोटिफिकेशन कब आएगा? जब आएगा तब टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का. सो रवि भाई, मेरे भाई, अभी से तैयारी चालू रखो. जब नोटिफिकेशन आए यू शुड बी रेडी फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन. एनटीपीसी करेक्ट है, स्टेट यू आर सेइंग रॉन्ग. स्टेट गलत बता रहे हो. मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. तो एमपी में नहीं हुआ है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. तेलंगाना इज करेक्ट. तेलंगाना करेक्ट है. एमपी में फ्लोटिंग पावर प्लांट नहीं हुआ है. रीवा पावर प्लांट इज डिफरेंट. दैट इज अ सिंगल साइट लार्जेस्ट पावर प्लांट. तो सिंगल साइट अलग होता है, फ्लोटिंग अलग होता है. पॉइंट क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सो तेलंगाना में लॉन्च हुआ है वो, और एनटीपीसी ने आपका लॉन्च किया है. नेक्स्ट, अगली न्यूज पर मूव कर रहा हूं. सिक्स्थ, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, दैट इज कॉल्ड इब्सा वुमेन फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली. इब्सा समिट्स प्रीवियसली there was a time when IBSA was conducting their summits as well. After 2017 IBSA is not conducting their summits. So mahilaon ne socha let's we'll do our own a type of meeting. So recently the 6th India Brazil South Africa women forum meeting was held and they discussed about the contribution towards the transforming women's life. At the end of conference the joint declaration was also issued. Shared the IBSA goals, commitment, achieving the gender equality in all spheres of life. तो वुमेन सेंट्रिक ये एक अभी इनका कॉन्फ्रेंस हुआ है. फॉर अस इंपॉर्टेंट इज दैट सिक्स्थ एडिशन का था ये IBSA. और IBSA का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका. नाउ व्हाई IBSA इज नॉट वेरी वेरी फेमस और व्हाई IBSA इज not conducting their summits regularly after 2017. So you will find there is a summit called BRICS. What is BRICS? Brazil, Russia, India, China, South Africa. And what is IBSA? India, Brazil, South Africa. India, Brazil, South Africa. So all three are already there in, all three nations are already there in BRICS summit. So BRICS summits ki extreme success ke karan IBSA कहीं ना कहीं दब गया. पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट वन, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू आई फील्ड इन. रवि रवि आई वुड सजेस्ट यू प्लीज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू विथ मी. मैं मतलब मैं हर चीज में नहीं बोलता हूं बट एटलीस्ट इंटरव्यू में आप रिस्क ना लें. प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम विथ मी. ट्राई कर लो एक बार. इस बार के रिजल्ट्स देख लो, इस बार के फीडबैक्स देख लो इंटरव्यू बैच के. एंड नेक्स्ट टाइम जस्ट प्रिपेयर विथ मी. अच्छे से तैयारी करो. ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड. नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड अ लेंडर टू स्मॉल बिजनेस हैज अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ अजिंका रिहाने as its brand ambassador. Ajinkya Rihane as its brand ambassador for the campaign keeping it simple. Simple sa news hai, simple hi rakhna hai, keeping it simple. That Neo Growth Credit Private Limited appointed whom as a brand ambassador, answer will be Ajinkya Rihane. Next one, ye pehle discuss kar chuka hun, revise karwa raha hun. USAID plus DFC provided $41 million rooftop solar power renewable energy loan scheme for SMEs, small medium enterprises के लिए. ठीक, next one. Shipri report which country is the top arms supplier to India during 2016 to 2020. According to the SIPRI report, which country, according to the SIPRI report, which country is the top supplier of arms to India during the year 2016 to 20? 16 se 20 ke beech mein. Thoda quick karein, jaldi se answer kar lein. Correct answer is Russia, guys. Still Russia. Still
Russia is the largest exporter of arms from Russia to India, or largest supplier of arms from Russia to India. Overall, arms import of India fall by 33% in the year 2011-15 and 16-20. 33% से इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट डिक्रीज हुआ है. स्टिल इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड. अभी भी दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है वर्ल्ड का इंडिया. एंड रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया. सेकेंड पोजिशन फ्रांस, थर्ड इज इजराइल. नेक्स्ट वन, according to the recent SHPRI report, which country is the largest arms importer? According to largest arms importer 2016-20. थोड़ा जल्दी करो यार प्लीज. यूएसए नहीं था मेरे भाई, रशिया था. सबने यूएसए आंसर किया हुआ. सप्लायर पूछा था फॉर आर्म्स, तो रशिया सबसे ज्यादा सप्लाई करता है. कहां से? रशिया से इंडिया. सबका आंसर यूएसए आया है. ये इंजीनियरिंग वाला पैटर्न है. इफ वन पर्सन आंसर्ड रॉन्ग, ऑल विल आंसर इट रॉन्ग. नेक्स्ट है, क्या आंसर बनेगा? लार्जेस्ट इंपोर्टर, क्विकली आंसर, यूएसए, सऊदी. चलो, तो करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया. लार्जेस्ट इंपोर्टर्स का लिस्ट देखें. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, लार्जेस्ट इंपोर्टर्स सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना. इंडिया, रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया. ये भी याद रखेंगे, दैट विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया. सो रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर टू आर्म्स टू इंडिया. ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके. इंडेक्स है, एक और है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर 2020 रिलीज बाय कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक. नाइट फ्रैंक ने रिपोर्ट इश्यू किया है. अकॉर्डिंग टू इट, इंडिया डिक्लाइन 3.6% ईयर ऑन ईयर इन होम प्राइजेस. इट मींस प्रॉपर्टी प्राइजेस आर डिक्लाइंग इन इंडिया. प्रॉपर्टी प्राइजेस इंक्रीज नहीं हो रहे इंडिया में. 3.6% से डिक्लाइन हुआ है इंडिया में प्रॉपर्टी का प्राइस. अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? इट मीन्स If someone bought the home of 1 crore rupee, अगर किसी ने 1 crore का होम परचेस किया था इन द ईयर 2019, सो नाउ द कॉस्ट ऑफ दैट होम डिक्लाइंड बाय अप्रोक्सीमेटली 3,60,000. से उस घर का कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो गया है. और सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल एट कंपेयर टू द चीपर प्राइसेस इन इंडिया compared to the last year, year on year report. ये point clear हुआ, तो इंडिया में decline हुआ 3.6% का. India slipped 13 spot and now India is on 56th rank global home price index in the fourth and the last quarter of the financial year against 43rd rank in the same quarter previous fiscal year. पिछले साल 43rd rank पर था. And this year, India is on 56th rank. Which country is on top in the increment? Understand this point. In the increment in the house prices, which country is on top? Turkey is on top. Turkey top par hai. India decline hua hai. India mein home prices decline hue hain. Aur home loan ke bhi aap dekhoge, to rates kaafi kam hue hain. Kaafi kam hue hain home loan ke bhi rates. और होम के प्राइसेस भी डिक्लाइन हुए. दोनों चीजें पैरेलल हुई हैं. अभी हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन वुमेन्स 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल इन द फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप. निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल जीता है? तो करेक्ट आंसर है आपके पास एस धनलक्ष्मी. एस धनलक्ष्मी इज द करेक्ट आंसर. एस धनलक्ष्मी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है ड्यूटी चंद का, विनिंग 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स एट पटियाला. अनादर रनर अर्चना श्रीधरन वॉज ऑन थर्ड पोजिशन एट विद द 11.76 सेकेंड. हिमा दास वॉज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ फॉल्स स्टार्ट, गलत स्टार्ट के कारण.
हिमा दास का नाम आया. सो रिसेंटली शी वॉज अपॉइंटेड एज डीएसपी बाय विच स्टेट गवर्नमेंट. आसाम गवर्नमेंट ने इनको भी रिसेंटली क्या अपॉइंट किया है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किया है. पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट मूव कर रहा हूं अगले. जोंग जॉन मेगुफुली हैज पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज अ फॉर्मर He was former president of which of the following country? किस country के former president रहे हैं ये? चलिए correct answer है Tanzania. He was also known as bulldozer. Tanzania के president थे. इन्हें bulldozer nickname से भी जाना जाता था. So he was also known as bulldozer. The capital of Tanzania is Dodoma. Currency is Tanzanian shilling. Recently he was re-elected as the president of Tanzania for one more time but passed away. Retlo Hydropower Project is a joint venture company formed by J&K administration with which of the following company to implement 850 megawatt Retlo Hydroelectric Project HEP. To kis company ke saath tie up karke abhi Jammu Kashmir administration ne इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. विथ विच कंपनी, किस कंपनी के साथ लॉन्च करके? एफसीआई में भी रवि यही क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट. जो करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूं ना, यही आने वाला है. तो स्कीम्स पर फोकस रखो और उसके बाद यही क्वेश्चन, बाकी के सारे यही आने वाले हैं. करेक्ट आंसर है एनएचपीसी. किसी का आंसर नहीं आया. करेक्ट आंसर है एनएचपीसी. एनएचपीसी हैज लॉन्च्ड इट with the help of Jammu Kashmir administration. 850 megawatt ka ye total project hai. 850 megawatt ka total project at the cost of 5,281 crore rupee. Next one, important days. Kaafi saare important days hain. Koshish karta hoon quickly discuss karun aapke saath. CRPF, Central Reserve Police Force. Mera question yahan par hai. Who is recently appointed as the DG? डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF. आप आंसर करें, मैं बाकी का न्यूज बता देता हूं. CRPF सेलिब्रेटेड 82nd फाउंडेशन एनिवर्सरी विद द जील सेरेमोनियल फेवर ऑन 19th ऑफ मार्च 2021. सो CRPF 82nd फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2021 एंड इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 19th ऑफ मार्च. A parade was organized at the CRPF Academy, Gurugram. CRPF, point number 3 is important. CRPF came in existence on 27 July 1939, before freedom, as a crown representative police. But after the freedom, it was renamed as CRPF, Central Reserve Police Force, according to CRPF Act on 18 December 1949. On 19 March 1950, this is important, on 19 March 1950, Honorable Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel presented presidential color to CRPF. So from that day, CRPF existence day started celebrating. 82 edition was celebrated in the year 2021, date was 19th of March. डीजी का नाम पूछा था मैंने, सबने बढ़िया आंसर किया. करेक्ट आंसर इज कुलदीप सिंह. कुल के दीप सिंह इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ रिसेंटली. नेक्स्ट वन, वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड ऑन 20th ऑफ मार्च. विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है टू इंप्रूव द अवेयरनेस रिलेटेड टू द हाउस स्पैरो एंड द अदर कॉमन बर्ड्स and their importance to the environment. I love sparrow is the theme of 2021. ठीक है, sparrow की बात कर रहे हैं. This sparrow, not Jack's sparrow. अच्छा, मैं pic search कर रहा था तो यहां पर pic मिल गया मुझको wife और husband का. ठीक है, अब मिल गया तो मैंने सोचा चलो यही pic लगा देता हूं. थीम भी था आई लव स्पैरो, सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू कीप दिस पिक ओनली. नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन
21st of March, International Day for the Elimination of Radical Discrimination. Youth standing up against the racism. This is the theme. Youth standing up against the racism. It is the theme of 2021. World Oral Health Day observed on 20th of March. World Oral Health Day. It is observed on 20th of March. Theme देखो यहां पर same thing was you guys were doing recently. Started laughing loudly that be proud of your mouth. Theme of 2021 to 23. Next 3 years का theme है that be proud of your mouth. Be proud of your mouth is the theme of 2021 to 23. Next one. World Poetry Day. World Poetry Day observed on 21st of March. 21st of March. International Day of Forest. Observed on 21st of March, International Day of Forest, Forestry Day, observed on 21st of March. Forest Restoration, a Path of Recovery and Well-being. तो ये आपका थीम है. Path of Recovery and Well-being, ये आपका थीम है 2021 का. The session is already very long, guys. So now, I'm closing the session at this point. Remaining static GK questions हम कल discuss करेंगे. So tomorrow we will be discussing 10 MCQs of static GK. 5 today, आज के 5, कल के 5. So total 10 MCQs हम discuss करेंगे. Only MCQs are remaining. ठीक है. So I'll meet you now tomorrow morning back in TNA guys. Till that time, keep watching Hollywood. Please like the session, share with your friends so they can also join us from tomorrow onwards. Till that time, keep watching Hollywood. Jai Hind. Are you targeting the upcoming IBPS PU examination? If yes, we have come up with a perfect course, that is IBPS PU Selection Batch 2021. You will be getting a lot of practice with the help of live practice sessions. In these live practice sessions, you will be able to compete with your peers on the life scale. You can see yourself on the leaderboard and understand what are the mistakes that you are making under pressure. We will be having strategy sessions, doubt sessions and mock discussions and make the perfect strategy for you guys to attempt the main examination. What are you waiting for? Join IBPS PU Selection Batch 2021 now.